नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीख रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि सवाल कैसे बनाया जाता है और अगर किसी चीज़ को नेगेटिवली बात करनी हो, किसी एक सेंटेंस में नेगेटिव तरीके से बोलना हो तो सवाल कैसे होता है और अगर नेगेटिव तरीके से किसी से कुछ कहना हो तो क्या होता है। ये सब चीज़ें इंग्लिश की बहुत बेसिक है, लेकिन मैंने जैसे बताया ये 138 के करीब स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से कि करीब आपको अगर आधे से ज़्यादा आ जाते हैं या तो 138 ये सारे के सारे आ जाते हैं तो आपका इंग्लिश का काम पूरा हो गया, आप आराम से कोई भी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या होती है, स्ट्रक्चर्स चूँकि हमको समझ में नहीं आते इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाते जब ये लंबे सेंटेंसेस में आते हैं। मतलब समझिए, मान लीजिए आपने एक सेंटेंस पढ़ा जिसमें कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन का एक सेंटेंस है, तो उस एक सेंटेंस में दो वर्ड का एक स्ट्रक्चर होगा, तीन वर्ड का एक स्ट्रक्चर होगा, चार वर्ड का एक स्ट्रक्चर होगा और इन सबको जोड़ा गया होगा। अब चूंकि हमको ये नहीं मालूम कि ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है इसलिए हम उस लाइन का मतलब नहीं निकाल पाते। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अब जैसे ये एक लंबा सा सेंटेंस है जिसका इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय बट ही लुक्ड लाइक अ गर्ल। अब इसमें बताया क्या है, वंस अपॉन अ टाइम ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, अगर इसका मतलब आपको नहीं पता तो ये सेंटेंस का मतलब नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वंस सोचेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स तो समझ में नहीं आएगा। अपॉन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, अगर इसका मतलब आपको नहीं आता ये, और ये कब आता है जब आप इसको पहचानते हैं। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर कौन सा है, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। अब ये नहीं पता तो कैसे जानेंगे आप भाई। और उसके बाद ही लुक्ड, मैंने ई डी इसका ये लुक है इसका ई डी यहाँ लगा दिया तो ये कन्फ्यूज मत करिए। ही लुक्ड लाइक अ गर्ल, अब ये लाइक वर्ड आपने जब भी सुना हो, कहीं पर भी सुना हो तो आपने तो यही सुना होगा, मैं उस लड़की को लाइक करता हूँ, नहीं लाइक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ही अलग है। लाइक मतलब किसी की तरह, सो ही लुक्ड लाइक अ गर्ल, तो वो एक लड़की की तरह दिखाई दिया। तो इसमें एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर और तीनों को जोड़ा गया है एक एक वर्ड से जिसका है जो बट, बट माने लेकिन, गाना नहीं सुना जब बी यू टी बट है, पी यू टी पुट है तो मैं क्या करूं, तो ये एक दो तीन, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक वर्ड से जोड़ा गया है। तो जब तक आप इन स्ट्रक्चर्स को नहीं मास्टर कर लेते, जब तक इनको आप नहीं पहचान पाते, पहचानना है, रटना नहीं है, लैंग्वेज में अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो पहचान सीखनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग आज का स्ट्रक्चर सीखते हैं। अब ये क्या है, ड्राइंग से मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। अगर ये पूछना है ये क्या है तो हम पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, ये तो पता है हमने अभी तक सीखा है, इससे पहले सीखा था व्हाट इज़ दिस, तो इसका आंसर है और इसका अगर आंसर कोई देता है जो कि मान लीजिए कोई बोलता है दिस इज़ मतलब ये एक फ़ोन है, तो आप बोलेंगे भाई ये फ़ोन नहीं है कुछ और है। तो अगर इसको सवाल की तरह पूछना होगा किसी से तो आप पूछेंगे ऐसे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स हैं इज़ दिस THIS दिस अ फ़ोन, ये एक सवाल है, एक सवाल, तो कोई पूछ रहा है क्या ये फ़ोन है, लेकिन क्या मैंने बोला, लेकिन मैंने व्हाट वर्ड यूज़ नहीं किया है ना, क्या ये फ़ोन है, इज़ दिस अ फ़ोन, तब आप इसका आंसर देंगे नो दिस इज़ अ, बिल्कुल सही, बुक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें ढेर सारे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हम इसका ही बना रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इज़ दिस अ ट्री, ये जो मैंने बनाया है इसके बारे में, क्या ये एक पेड़ है, तो आप इसका आंसर सही आप बोलेंगे नहीं नहीं दिस इज़ नॉट अ ट्री, दिस इज़ नॉट अ ट्री दिस इज़ अ फ्लावर, ये ट्री थोड़ी है फ्लावर है, लेकिन कोई फ्लावर को ट्री पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए कहाँ पर कोई इस तरह का पूछता है चीज़ें। अब मान लीजिए ये एक मिस्टर राम है और आप इसको जानते हैं और कोई और बाहर से आता है और पूछता है और वो मिलना चाहता है मिस्टर अशोक से, तो पूछेगा और वो उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पर मिस्टर अशोक से मिलने आ रहे हैं और आपसे वो पूछता है इज़ दिस मिस्टर अशोक, इज़ दिस
मिस्टर अशोक? तो आप बोलेंगे नो सर, दिस इज़ मिस्टर राम. नहीं सर, ये मिस्टर राम है. और अगर आप उसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यस सर, दिस इज़ मिस्टर अशोक. और ऐसा बहुत बार होता है, लोग बेवकूफ़ बना के बच्चे अपने पेरेंट्स का नाम लेकर ले जाते हैं, बोलते हैं इज़ दिस योर डैड, तो बोलते हैं यस दिस इज़ माई डैड. हो सकता है अपने बड़े भाई को ले जाते हों या किसी और को ले जाते हों. तो ये इज़ दिस अ या इज़ दिस के साथ जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ये सवाल होते हैं. जब भी आप किसी के सामने इज पढ़ें पहले इज़ दिस नहीं इज़ दिस, इसको समझ लीजिए ऐसे, इज़ दिस अ बिग हाउस, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं बड़ा हाउस नहीं है, तो छोटा हाउस है. या तो इज़ दिस योर फ़ोन, क्या ये तुम्हारा फ़ोन है, तो आप बोल सकते हैं येस इट इज़ माई फ़ोन या मेरा फ़ोन नहीं है. बट ये जब भी इज़ पहले लिखा जाता है तो वो सवाल हो जाता है. तो मुझसे कह रहा था कि आप डीप नॉलेज पे इस तरह के बचकानी चीज़ें डाल रहे हैं, बट ये बचकानी नहीं है, बिकॉज़ जो लोग भी ज़रा सा भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीख पाएंगे तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. और मैं जानता हूँ जब मैं क्लास में था छोटी क्लास में तो मुझे इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैं आपसे इसको बचकानी मत सोचिएगा, छोटी मोटी चीज़ नहीं, जिसके लिए है इंपॉर्टेंट उसके लिए है. तो अब नेगेटिव, हम लोग किसी को अगर नेगेटिव बोलना है तो ये सवाल ये है इज़ दिस रियल फ़ोन, क्या ये सचमुच का, रियल मतलब सचमुच का, क्या ये रियल फ़ोन है. मान लीजिए किसी ने आपको डमी दिखाया फ़ोन का और आप तो उसका अगर नेगेटिव तरीके से आंसर देना है, अगर आप ये बोलना चाहते हैं नहीं ये असली फ़ोन नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, नो दिस, आप ये कहेंगे नो दिस इज़ नॉट रियल फ़ोन, मतलब ये असली फ़ोन नहीं है, फेक है. तो ये जो नो है ना, शुरू में नो आया, लेकिन अगर आपने खाली शुरू में नो लिख दिया और उसके बाद बोला नो दिस इज़ रियल फ़ोन, तो उसका मतलब हो जाएगा नहीं ये सचमुच का फ़ोन है. इसलिए नॉट में बहुत बार दो बार लगता है, अगर जब आप किसी को नो बोलना चाहते हैं, नो दिस इज़ नॉट अ रियल फ़ोन, नहीं ये असली फ़ोन नहीं है. तो नेगेटिव में हमेशा एक बार यहाँ ऊपर लगता है, एक बार बीच में लगता है. और भी तरीके हैं इसमें, और भी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर में, मैं आपको समझाऊंगा. एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग. सवाल यह है इज़ दिस योर हाउस, ये क्या तुम्हारा घर है, इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर होगा नो. अगर ये आपका घर नहीं है तो आप बोलेंगे नो दिस इज़ नॉट, देखिए दो बार लिखा है ना, एक बार नो और एक बार नॉट. दिस इज़ नॉट माई हाउस, ये मेरा घर नहीं है. इट इज़ माई डैड, अगर ये बोला इट इज़ माई डैड, इसका मतलब होता है ये मेरे डैड हैं, लेकिन ये घर है, ये डैड नहीं है. तो आप बोलेंगे इट इज़ माई डैड्स, कल याद है अपोस्ट्रोफी एस मैंने आपको बताया था, तो ये मेरे डैड्स हाउस है, ये मेरे पिताजी का घर है. तो ये दो बार एन लगा, और यहाँ पर एक नया चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अपोस्ट्रोफी एस, ये मैंने अलग जगह पर समझाया है.